नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूं ऑनलाइन रेडियो के साथ। पेश हैं आज के मुख्य समाचार, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। धर्मशाला में हिमाचल बीजेपी का महामंथन, सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे, नड्डा कल आएंगे। सड़क हादसे में शिलाई के विधायक के भतीजे की मौत, शादी समारोह से लौट रहा था घर। जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा लेने घाटी पहुंचा विदेशी प्रतिनिधियों का दल, बड़गांव में की स्थानीय लोगों से बात। सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ पर जानलेवा हमला, आरोपी मुगरबा चौक से गिरफ्तार। पुडुचेरी में सियासी संकट के बीच दौरे पर राहुल, एलजी पद से हटाई गई किरण बेदी ने किया ट्वीट। लाल किला हिंसा मामले में एक और आरोपी मनिंदर सिंह गिरफ्तार, दो तलवार भी बरामद। दिल्ली एनसीआर में 22 फरवरी से दौड़ेंगी लोकल ट्रेनें, यूपी हरियाणा के लोगों को होगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल बीजेपी का महामंथन आज से धर्मशाला में शुरू हो रहा है। इस आयोजन में शिरकत करने के लिए सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंचे हैं। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरने पर वन मंत्री राकेश पठानिया व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां से वो शिला चौक में होटल डी पोलो के लिए रवाना हो गए। यहां पर वो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले होटल डी पोलो में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण वर्ग में सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना एवं प्रशिक्षण वर्ग के प्रभारी रामस्वरूप शर्मा भी उपस्थित हैं। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को शिरकत करेंगे। ये बैठक 3 दिन चलेगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई है। पांवटा साहिब उपमंडल में रामपुर घाट में हुए इस सड़क हादसे में शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान के भतीजे की मौत हुई है। बीती रात रामपुर घाट में सड़क किनारे युवक दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला। हालांकि इसके बाद उसे सिविल अस्पताल पांवटा पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 26 वर्षीय युवक अभिषेक चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासी गांव चियोग पांवटा साहिब के एक होटल में हुए शादी समारोह से वापस अपनी मोटरसाइकिल से अपने निवास की ओर अडायन जा रहा था। इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गया। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है। कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों के बाद यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों का एक दल आज 2 दिवसीय दौरे पर घाटी पहुंच गया है। यहां पर उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। विदेशी प्रतिनिधिमंडल बड़गाम जिले के मबम ब्लॉक पहुंचा है, जहां उन्हें पंचायती राज और वहां लोगों की समस्याओं का हल कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि कैसे पंचायत के लोग गांव में घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने यहां कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की। अधिकारियों ने बताया कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश प्रशासन द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेगा। अब समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर मंगलवार को जानलेवा हमला कर दिया और फिर वहां से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे मुकरबा चौक से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि मंगलवार रात हरप्रीत सिंह नाम के प्रदर्शनकारी ने तलवार के बल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीन ली, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया तो उसने मुकरबा चौक पर कार छोड़ दी और एक स्कूटी लेकर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान पुलिस बल, जिसमें SHO समयपुर बादली आशीष दुबे शामिल थे, उनका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी ने SHO आशीष दुबे पर तलवार से हमला कर दिया था। पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। 2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नीत नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री नारायण स्वामी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी की राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद बुधवार सुबह डॉक्टर किरण बेदी ने ट्वीट कर आभार जताया। इस सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पुडुचेरी राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने भारत सरकार समेत अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। किरण बेदी ने एक पत्र लिखकर भारत सरकार का आभार जताया। कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 2 तलवारें भी बरामद की है। मनिंदर सिंह लाल किला हिंसा मामले में वांछित अपराधी था। उसे मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीतमपुरा के पास से गिरफ्तार किया। स्वरूप नगर स्थित उसके घर से 2 तलवारें बरामद हुई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनिंदर सिंह AC कार मैकेनिक का काम करता है। लाल किला हिंसा मामले में इससे पहले दीप सिद्धू, सुखदेव और इकबाल सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। मंगलवार को ही दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ाई गई है। मुंबई के बाद अब दिल्ली NCR सहित उत्तर रेलवे के अन्य मंडलों में लोकल यात्रियों की परेशानी दूर होगी। जल्द ही लोकल ट्रेनें भी पटरी पर उतरेंगी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे को 35 लोकल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। 22 फरवरी से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। सभी ट्रेनों को फिलहाल एक्सप्रेस का दर्जा देकर चलाने का फैसला लिया गया है। इसमें दिल्ली से गाजियाबाद, पलवल से पानीपत सहित आसपास के अन्य शहरों के बीच भी लोकल ट्रेनें चलेंगी। यात्री अनारक्षित टिकट लेकर इसमें सफ़र कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना होगा। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे को 35 लोकल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। 22 फरवरी से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। सभी ट्रेनों को फिलहाल एक्सप्रेस का दर्जा देकर चलाने का फैसला लिया गया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।